हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे सरसों सूख रही है हमारी, इससे तेल पिरवाया जाएगा, मशीन से तेल निकाला जाएगा। इसमें कोई मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। ये देखो, पुरानी सरसों है। क्या खाता क्यों खाता हूँ? गाना और नमकीन। हेलो फ्रेंड्स, मैं चल रही हूँ मैगी बनाने। यहाँ पे मेरे पास सामग्री है, हरी धनिया, मिर्च, लहसुन, टमाटर, मटर और मैगी, और मैगी मसाला, एक सब्जी मसाला भी था, क्योंकि मुझे मैगी स्पाइसी बनाऊंगी मैं देसी स्टाइल में। थोड़ा सबको मैगी बनाना आता है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मैं अपने तरीका बताऊंगी आपको। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, इसमें तेल भी डाल दिए हैं, तेल भी गर्म हो गया। इसमें लहसुन हम ऐड कर देंगे, लहसुन और मिर्ची, और उसको ब्राउन होने तक इंतज़ार करेंगे। फिर उसमें हम मटर और जो है अपना टमाटर ऐड कर देंगे, हल्का सा नमक भी डाल देंगे ताकि गल जाए मटर और टमाटर, अच्छे से गल जाए हमारा। और ये देखिए, बिल्कुल ज़रा सा ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे नमक, तो फिर मैगी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, थोड़ी देर चलाएंगे इसको, फिर हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ढक दिया, इसको चेक कर लेंगे एक बार हुआ है कि नहीं। तो अभी नहीं हुआ है, अभी जो है थोड़ा सा टाइम और लगेगा उसमें। तो चला के फिर से हम ढक देंगे, एक दो बार चला देंगे, नहीं तो जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है लगभग लगभग, थोड़ी देर चलाएंगे इसको और जो है हो जाएगा। अभी मटर पक जाएगी, मटर टमाटर पक जाएगा जब ये अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है मेरा लगभग लगभग, टमाटर गल गया है, मटर भी गल गया है। और अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, मैगी मसाला और एक सब्ज़ी मसाला है, राजेश मसाला, एक छोटा पैकेट है बिल्कुल, क्योंकि मैं स्पाइसी बना रही हूँ तो इसलिए मैं अलग से भी मसाला डाल रही हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड के लिए, नहीं तो मसाला जलने लगेगा। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मैगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैगी में डाल दी हूँ और थोड़ा सा चला लूँगी कुछ सेकेंड, फिर इसमें हम डाल देंगे पानी अपने अनुसार, जैसा आपको चाहिए, जूस वाली कि बिना जूस वाली, उसी अनुसार अपना पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मैगी भी पक जाए और जो है टेस्ट भी बढ़िया आए। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं ताकि पक जाए अच्छे से। एक दो बार इसको चेक भी कर लेंगे फ्रेंड्स, मैगी हुई है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। अभी नहीं हुई है हमारी मैगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको चला के हम ढक देंगे, कलर बहुत अच्छा आया है, लग रहा है टेस्टी दिखने में ही। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे, हरी धनिया, और फिर ढक देंगे एक मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब हमारी मैगी बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरी मैगी हो गई है, अच्छे से पक चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना जो है मेरी मैगी की रेसिपी कैसी है, अच्छी है कि नहीं। देखिए मेरी टेस्टी टेस्टी मैगी तैयार है खाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।